हेलो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े कान किस जानवर के होते हैं? वैसे तो जमीन पर रहने वाले अफ्रीकी हाथी के कान ही सबसे बड़े माने जाते हैं, लेकिन उसका शरीर भी उनकी तुलना में काफी विशाल होता है। अगर शरीर के आकार की तुलना में कान की लंबाई की बात करें तो चीन और मंगोलिया के रेगिस्तान में रहने वाला ये चूहे जैसा जानवर हाथी से आगे निकल जाता है। रात को जागने वाला जबुआ कीड़े खाता है और इसकी लंबाई सिर से लेकर पूंछ तक 4 इंच होती है। इसके कान 1.5 से 2 इंच लंबे होते हैं, जो उसके शरीर की करीब 40 से 50% लंबाई के बराबर हैं। साल 2007 में जब लंबे कान वाले जबुआ का एक वीडियो गोबी डेजर्ट से सामने आया तो उसे रेगिस्तान का मिकी माउस नाम दे दिया गया। ये जानवर देखने में तो काफी प्यारा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल भी उठता है कि आखिर इतने छोटे से जीव के इतने लंबे कान क्यों होते हैं? इसका जवाब है रेगिस्तान की गर्मी। जबुआ और यहाँ रहने वाले दूसरे जानवरों के कान भी काफी लंबे होते हैं। इनकी मदद से ये गर्मी से लड़ पाते हैं। इनके अंदर ऐसी ब्लड सेल्स होती हैं जो हवा में गर्मी को बाहर छोड़ती हैं और जानवर का शरीर ठंडा करती हैं। इसका सीधा साधा एग्जाम्पल अफ्रीकी और एशियाई हाथियों में अंतर से पता चलता है। एशियाई हाथियों के कंपैरिजन में अफ्रीकी हाथियों के कान बड़े होते हैं। आमतौर पर गर्मी पसीने के साथ बाहर निकाली जा सकती है, लेकिन रेगिस्तान में पसीने के साथ गर्मी बाहर निकालने से पानी का भी नुकसान होता है। रेगिस्तान में पानी की कमी के चलते बेहतर तरीका है लंबे कान के जरिए हवा में गर्मी छोड़ना। इसके अलावा लंबे कान छोटे छोटे कीड़ों की हल्की आवाजें सुनने में भी मदद करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें शिकार करने में भी आसानी होती है। फिलहाल तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये जानवर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।